नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर पंडित विश्वनाथ खादी ग्रामोद्योग संस्थान रतुआ पारा अतरौलिया आजमगढ़ के प्रांगण में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं उत्तम मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के आयोजन में एक जनपद एक उत्पाद के खनिज आधारित माटी कला विद्युत चालित रौला मशीन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण का शुभारंभ उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद के कर कमरों द्वारा संपन्न हुआ। आपको बता दें, पंडित विश्वनाथ खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान के आयोजन एवं तत्वावधान में ग्रामीण अंचल के बेरोजगार महिलाओं के आर्थिक विकास एवं रोजगार हेतु भारत सरकार की वार्षिक योजना माटी कला के द्वारा इन्हें प्रशिक्षण प्रमोद कुमार प्रजापति एवं तिलक राज प्रतापति द्वारा शनिवार को सभी अनुसूचित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा निरंतर प्रशिक्षण 26 अप्रैल तक भी चलता रहेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के मंशा के अनुरूप संस्था ग्रामीण क्षेत्र के गरीब असहाय बेरोजगार महिलाओं पुरुषों के रोजगारों एवं सृजन के लिए कटिबद्ध है। ऐसा चाक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कि सभी महिलाओं को रोजगार हेतु संस्था द्वारा पॉल्ट्री उद्योग की स्थापना किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए संस्था के सानिध्य में महिलाएं एवं पुरुषों द्वारा माटी कला का प्रदर्शन कर विभिन्न उत्पाद तैयार किया जाएगा, जिसका निर्यात रेवाड़ी भारत राजस्थान एवं विभिन्न स्थानों को सप्लाई दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएँ सशक्त एवं स्वावलंबन की प्रतीक रहेंगी। संस्था के सचिव जयप्रकाश पांडे द्वारा इसके निरंतर विकास के लिए केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में प्रयासरत है। आइए सुनाते हैं कि उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद व जय कृष्ण पांडे मंत्री खादी ग्राम उद्योग ने क्या कुछ कहा। सर, जो आज उद्घाटन हुआ माटी शिल्प कौशल प्रशिक्षण का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सरकार की योजना चल रही है, बहुत सारे सरकार का प्रयास ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र के महिला पुरुष हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, वो स्वयं अपने रोजगार सृजित कर सकें और उनके आर्थिक स्रोत पैदा हो, इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी तरह से आज जो खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक जो योजना चलाई गई, उसमें पंडित विश्वनाथ खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान जो हमारी बुरहनपुर से संबंधित है, इनके द्वारा आज 40 सैला चाक और 4 बैलेंजर के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्था के महिलाएं हैं पुरुष हैं, उनको प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। और मैं समझता हूं कि इनके प्रशिक्षण के बाद ये कुछ समय बाद स्वयं अपना एक रोजगार सृजित करने में सक्षम होंगे और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूं। इसके लिए मैं संस्थान के प्रमुख और यहाँ जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उन सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो आज प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये भारत सरकार खादी ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम मंत्रालय भारत सरकार की योजना है और हमारी संस्था पंडित विश्वनाथ खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान नोडल एजेंसी है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसे हमें वितरण कराना है। इसकी सब्सिडी जो आती है उस वहन संस्था करती है और खादी ग्रामोद्योग आयोग वहन करता है। हमें इसके मास्टर, हमारे ट्रेनर मास्टर हैं प्रमोद कुमार प्रजापति जी, जो बैतूल के ट्रेनर हैं, उनके द्वारा हम लोग इन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दिलाना है, इसके बाद इसका वितरण हमको करना है। इससे गांव के लोगों को क्या लाभ मिलेगा? अब कुम्हारी कला से भारत सरकार की जो योजना है, इसे मिट्टी कला, हमारा जनपद आजमगढ़ जो है एक जिला एक उत्पाद मिट्टी कला में जो है ये इसको प्रथम स्थान मिला हुआ है। इस नाते प्रथम दृष्टिया जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग इस पर लक्ष्य अनुमादित कर दिया है कि आजमगढ़ में अगर कुम्हारी कला माटी कला शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें अधिक से अधिक हम अनुदान भी देंगे और प्रशिक्षार्थियों को पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से जो लोन लेना चाहेंगे, कुछ परसेंटेज खादी ग्रामोद्योग आयोग वहन करेगा और जो संस्था कुछ संस्था वहन करेगी और जो हमारे अभ्यर्थी हैं कुछ ये वहन करेंगे। ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? हमारे यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम दो ग्रुप में है, कुम्हारी कला स्वयं सहायता समूह है और प्रजापति स्वयं सहायता समूह है। चितौनी कला से लोग हैं, हमारे यहाँ से लोग अटैच हैं। हमारे यहाँ ट्रेनर जो है 10 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद बम्बई से फिर ट्रेनर आएंगे। इनकी मास्टर ट्रेनिंग होने के बाद इनको वितरण कर दिया जाएगा। यदि ये लोग अपने यहाँ चलाना चाहेंगे मशीन, तो वे इन लोगों को मशीन दे दिया जाएगा, उसका एक जो है एग्रीमेंट होता है, नहीं तो हम अपना संस्थान में व्यवस्था बनाएंगे और इनको ये लोग आकर यहाँ अपना जो है इस पे जो है अपना तैयारी करके काम करेंगे। थैंक्स।